हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है टैक्स एंड टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल गेन से रिलेटेड ही। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे कैपिटल गेन अराइज होता है। उसके बाद हमने चार्जिंग सेक्शन के बारे में उसके पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल गेन अराइज तो हो गया, अब हम लोग उसके एग्जम्पशन में जाएंगे। हम लोग कैसे कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं, आज हम ये बात करने वाले हैं। तो हम सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं अभी, एग्जम्पशन फॉर कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि मान लिया एक बंदे ने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस अपना सेल कर दिया। जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट के लिए सेल करे। मान लिया वो उसको सुटेबल नहीं था, छोटा घर हो गया, फैमिली बड़ी हो गई, बड़ा घर चाहिए, तो उसने वो अपना जो पुराना घर था उसको सेल कर दिया। तो सेल करने से कैपिटल गेन अराइज हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ। अब जब कैपिटल गेन अराइज हुआ तो उसको बचाने के तरीके भी होने चाहिए। यदि बचाने के तरीके नहीं होंगे तो उसको तो बड़ी दिक्कत होने वाली है कि भाई कोई भी यदि प्रॉपर्टी हमने बेची, कोई भी हाउस हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसने प्रॉफिट के लिए नहीं बेचा है। उसने तो इसलिए बेचा है क्योंकि वो घर उसके लिए छोटा हो पड़ गया है, उसकी फैमिली बड़ी हो गई है, कल को वो इस बड़ा घर खरीदना चाह रहा है। तो इसका भी प्रोविजन एक्ट के अंदर किया गया है, सेक्शन 54 इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 54 है इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो कि हमें एग्जम्पशन के बारे में बताता है कि यदि हमने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड की है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो हम लोग कैसे टैक्स को बचाएंगे। बेसिक कंडीशन क्या है भाई, ये केवल जो ये सेक्शन 54 की एग्जम्पशन है वो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही एप्लीकेबल है। इन्हीं दोनों को मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, उसके केस में ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी हो, जो भी हमारा असेट्स ट्रांसफर हो वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो और उससे जो कैपिटल गेन अराइज हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तब हमें सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी। सेक्शन 54 की एग्जम्पशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन क्या है कि हमने विद इन ए पीरियड ऑफ वन ईयर बिफोर और टू ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस द टैक्स पेयर शुड एक्वायर अनदर रेजिडेंशियल हाउस। हमने एक साल पहले या तो घर परचेज कोई एक्वायर कर लिया हो, या जब हमने ट्रांसफर किया है उसके दो साल में हमने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर कर लिया हो। यदि हमने डायरेक्ट या तो हम रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेंगे, यदि हम कंस्ट्रक्शन के केस में गए हैं तो हमने विद इन थ्री ईयर हमने अपना हाउस जो ओल्ड हाउस है वो ओल्ड हाउस को सेल करके विद इन थ्री इयर्स के अंदर हमने रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो हमें सेक्शन 54 की बेसिक एग्जम्पशन अवेलेबल होगी। दोस्तों फिर एक बार से देखते हैं कब अवेलेबल होगी, किसको होगी, इंडिविजुअल और एचईएफ को होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेल करने से एक साल पहले या सेल करने के दो साल के अंदर आपने अनदर रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर कर लिया हो, या कंस्ट्रक्शन का केस हो तो तीन साल के अंदर हमने नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया हो। अब दोस्तों हम इसको आगे अब इसको डिटेल में एक बार समझते हैं। एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, एक कंडीशन एक और क्या है कि केवल ये एक रेजिडेंशियल हाउस के केस में हमें अवेलेबल होगी, हम केवल एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर से एक नया प्रोविजन, नया एग्जम्पशन वो दिया गया है। क्या एग्जम्पशन दिया गया है कि अभी तक जो कंडीशन थी एक हाउस प्रॉपर्टी की, अब उसको बढ़ा के दो कर दिया गया। लेकिन ये एग्जम्पशन कब अवेलेबल होगी, दो हाउस प्रॉपर्टी का केस में कब अवेलेबल होगी, जब जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमारा 2 करोड़ से ज्यादा का ना हो। और दोस्तों इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो एग्जम्पशन है हम अपनी होल लाइफ में केवल एक बार अवेल कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो इसको अवेल करने के लिए क्या क्या है कंडीशन कि हमारा जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसको लाइफ टाइम केवल एक बार ही अवेल किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मिस्टर राजा परचेज रेजिडेंशियल हाउस इन अप्रैल 2015। मिस्टर राजा ने अप्रैल 2015 में एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया एंड सोल्ड द सेम इन अप्रैल 21। अप्रैल 21 में उसको सेल कर दिया, कितने में, 8,40,000 में। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ द हाउस अमाउंटिंग टू 1 लाख। जस्ट हम मानते हैं कि कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है, जस्ट सपोज 1 लाख रुपए का हुआ है,
तो क्वेश्चन ये है, कैन ही क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 बाय परचेजिंग ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 1 लाख? क्या वो बचा सकता है, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट वो ले सकता है? तो दोस्तों अब हम अभी हमने बात करी कि क्या है एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन सेक्शन 54 के अंदर, इसके अंदर कौन सा, पहली बात तो देखिए 2021 में सेल किया, परचेज कब किया था 2015 में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। कैपिटल गेन कितना अराइज हुआ, 1 लाख रुपए का। तो हमने बात करी कि लॉन्ग टर्म, हमने बेसिक कंडीशन क्या है, राजा कौन है, इंडिविजुअल है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है दोस्तों। तो यही इसका एक आंसर है कि हमारा इसको एग्जेम्पशन ये मिल जाएगी। सेकंड एग्जांपल में चलते हैं, कुमार एचयू परचेज रेजिडेंशियल हाउस इन अप्रैल 2016, 2016 अप्रैल 2016 में उसने परचेज किया, सोल्ड 2021 में किया, 8 लाख 40, सेम एग्जांपल है। तो ये क्या है कुमार एचयूएफ, ये एचयूएफ है। तो हमने बात करी थी कि किस किस को एग्जेम्पशन मिल सकती है, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को, सेम बिल्कुल वही सेम एग्जाम्पल है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों के केस में क्योंकि एग्जेम्पशन अलाउ है, तो इसको भी कुमार एचयूएफ को भी इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, मिस्टर चोपड़ा परचेज्ड रेजिडेंशियल हाउस इन द प्रीवियस ईयर 2007-08, द हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर ₹3 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 2021-22, ठीक है, एंड द कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड इन 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वर्थ ₹1 करोड़ ईच इन सेम प्रीवियस ईयर, कैन ही क्लेम द बेनिफिट सेक्शन 54 इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ हाउसेस? तो मिस्टर चोपड़ा ने परचेज कब किया था रेजिडेंशियल हाउस, 2007-08 में किया था, हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड कितने में की, 3 करोड़ रुपए में की प्रीवियस ईयर 21-22 में। कैपिटल गेन को कहां लगा रहे हैं, वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहे हैं, जिनकी कीमत दोनों हाउसों की अलग अलग कीमत 1-1 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग वो बेनिफिट बताइए कि मिलेगा नहीं मिलेगा, दोस्तों बताइए क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, इन दोनों में से कुछ है, बिल्कुल है, मिस्टर चोपड़ा इंडिविजुअल के अंदर काउंट होंगे, तो सबसे पहली बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि 2007-08 में खरीदी थी, 2021-22 में वो प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बिल्कुल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो अवेलेबल होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन पे क्या चलते हैं, कौन सा फाइन, ये कौन से उसकी ईयर की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर 2021-22, तो इसके अंदर हमारा प्रोविजन आ गया था कि हम लोग 2 हाउस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, यदि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। तो दोस्तों अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारा जो 7-8 का जो इंडेक्स रेट है, यदि वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बन के आता है, परचेज वैल्यू उसकी इंडेक्सेशन वैल्यू निकाल के हम लेके आए 2021-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर, यदि वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 करोड़ से कम का हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा, तो हमें, क्योंकि ये 2 करोड़ से कम हो जाएगा तो हमें ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी, इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं सेक्शन 54 का। लेकिन यदि इसकी इंडेक्सेशन वैल्यू, जो हमारा हाउस हमने परचेज किया था 7-8 में, यदि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई, तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ से ज्यादा का यदि आप सॉरी 1 करोड़ रुपए से कम यदि उसकी होती है वैल्यू, तो हमारा कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा, 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो हमें 2 हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, ओनली हम 1 हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम चलते हैं, मिस्टर खान परचेज रेजिडेंशियल हाउस इन द प्रीवियस ईयर 2006-07 फॉर द ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपए में रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है मिस्टर खान ने, द हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर ₹10 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 2021-22। तो दोस्तों देखो यहीं तक हम रुक जाते हैं, हमने 6-7 में परचेज किया था, 21-22 में हमने सेल किया है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इंडिविजुअल भी है मिस्टर खान, तो एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 2 करोड़ रुपए का हमने परचेज किया था, 10 करोड़ रुपए का हमने सेल किया है, तो क्या हुआ हमारा, यदि हम इसकी इंडेक्सेशन वैल्यू मान लें कुछ जो भी होगी, हम जो भी निकल के आएगी इंडेक्सेशन वैल्यू, तो इंडेक्सेशन वैल्यू हमारा जो निकल के आई 2021-22 के अंदर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए से यदि ज्यादा का कैपिटल गेन हो जाता है तो हम सेक्शन 54 के जो बेनिफिट है 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का वो नहीं ले पाएंगे।
ये लॉन्ग दो रेजिडेंशियल हाउस में कब अवेलेबल है, जब वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 2 करोड़ रुपए तक हो। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा नहीं ले पाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना। 2 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक है तो हम ये दो हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखने की बात है हम लाइफ टाइम केवल एक बार ही ये एग्जेम्पशन दो हाउस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो एग्जेम्पशन अमाउंट क्या होगा। मान लिया हमने जो हमारा कैपिटल गेन अराइज हुआ, जब सपोज ज्यादा हुआ, हमने इन्वेस्ट कम का किया, तो हमें क्या पूरा पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा? नहीं। उसके लिए ये मेथड है, जो भी अमाउंट लोअर होगा उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। कौन कौन से अमाउंट है वो? अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, मतलब पहला अमाउंट कौन सा है जो कैपिटल गेन हमारा अराइज होगा वो अमाउंट हमें लेना है, और दूसरा वो अमाउंट लेना है जो अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या हमने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो अमाउंट डाला है। इन दोनों अमाउंटों में से जो भी लोअर होगा उसका हमें एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर राजा परचेज रेजिडेंशियल हाउस इन अप्रैल 16 में उन्होंने परचेज किया, सोल्ड द सेम ऑन 25 अप्रैल 2021, 21 में सेल कर दिया कितने रुपए का? 8,40,000। कैपिटल गेन जस्ट सपोज अराइज हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का जब कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो अब इनको यदि पूरे की एग्जेम्पशन लेनी है तो कम से कम 1 लाख रुपए का इनको दूसरे हाउस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लिया उन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने 80,000 का इन्वेस्ट किया है, तो आपको अभी हमने बताया कौन कौन से दो अमाउंट लेने हैं, जो लॉन्ग आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ और जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, उनमें से जो लोअर होगा उतने की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। तो इन्वेस्ट कितने का कर रहे हैं? 80,000 रुपए का। तो दोस्तों लोअर कौन सा है? 80,000 रुपए। इसका मतलब 80,000 की एग्जेम्पशन हमें अंडर सेक्शन 54 अवेलेबल होगी। बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 1,80,000 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज हमको टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट उस पे चलते हैं एग्जाम्पल पे। मान लिया 1 लाख रुपए का, तो उन्होंने सेम एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए का तो कैपिटल गेन अराइज हुआ, उन्होंने दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में 1,20,000 रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, तो ठीक है ज्यादा का इन्वेस्ट कर दिया, हमें एग्जेम्पशन कितना अलाउ होगा? 1 लाख और 1,20,000 में कौन सा लोअर है? 1 लाख। कैपिटल गेन कितना था? 1 लाख। तो हमारा एग्जेम्पशन टोटल का टोटल हमारा एग्जेम्पशन हमें अवेलेबल हो गया, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा, हम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? यदि हमने नया हाउस तो परचेज कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लिया हमने परचेज तो कर लिया लेकिन हमें सूट नहीं करा, हम नहीं रह पाए वहां पे, अब हमने उसको सेल करना पड़ गया बिफोर 3 इयर्स या 2 इयर्स, तो हम क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में क्या होगा, इफ ए टैक्स पेयर परचेज कंस्ट्रक्टेड हाउस एंड क्लेम्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एंड देन ट्रांसफर द न्यू हाउस विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, देन द बेनिफिट ग्रांटेड अंडर सेक्शन 54 विल बी विड्रॉन। हमारा वो बेनिफिट जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब विड्रॉ कैसे होगा, उसमें क्या अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा? द रेस्ट्रिक्शंस विल बी अट्रैक्टेड इफ आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द न्यू हाउस इज सोल्ड बिफोर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज, ठीक है 3 साल से पहले यदि वो करते हैं। इफ द न्यू हाउस इज सोल्ड बिफोर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन देन एट द टाइम ऑफ कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यू हाउस द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन क्लेम्ड एज एग्जेम्प्ट Under section 54 will be deducted from the cost of acquisition of the new house. करना क्या है हमें? जब हम नया जो हमने नया हाउस परचेज किया था, जिसकी हमने एग्जेम्पशन क्लेम की थी, उसको हमने 3 साल से पहले हम सेल कर रहे हैं, तो जब उस वाले नए हाउस का हम लोग कैपिटल गेन निकालने जाएंगे, तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसकी होगी, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हम जो हमने जो भी एग्जेम्पशन जो क्लेम किया सेक्शन 54 की, उसको लेस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी कम हो जाएगी, तो हमारा वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मिस्टर राजा सोल्ड हिज ओल्ड हाउस इन अप्रैल 2020 फॉर रुपीज 25,20,000, 25,20,000 में अप्रैल 2020 में सेल किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ 8,40,000 रुपए का, दिसंबर 2020 में उन्होंने नया हाउस परचेज कर लिया 10 लाख रुपए का। अब क्या हुआ, दया न्यू हाउस हाउएवर सोल्ड इन अप्रैल 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर उन्होंने उस हाउस प्रॉपर्टी को 12 लाख रुपए में सेल कर दिया। अब हमसे क्या पूछते हैं, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ द टैक्सेबल
कैपिटल गेन्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर रजत फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2021 और 2022 का हमें फाइनेंशियल 2021-22 में हमें कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आओ इसको एक बार देखते हैं। यदि हम 2021 का कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म हमारा कितना बोल रहा है, कितना राइज हुआ 8,40,000 रुपए। हमें एग्जम्पशन कितना मिल जाएगा फिफ्थ सेक्शन 54 में 8,40,000 का मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा वापस देखते हैं। हमने 8,40,000 रुपए का हमें कैपिटल गेन राइज हुआ था, हमने इन्वेस्ट कितने का कर दिया था 10 लाख कर दिया था। हमें दोनों में से लोअर अमाउंट लेना है तो 8,40,000 और 10 लाख में से 8,40,000 रुपए का एग्जम्पशन हमें अवेलेबल हुआ, 8,40,000 रुपए हमने डिडक्ट किया तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइनेंशियल ईयर 2021 में निल हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो हाउस जो हमने जिस हाउस की एग्जम्पशन हमने ली थी ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जाके हमने 12 लाख रुपए में सेल कर दिया। तो हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कैपिटल गेन यदि कैलकुलेट करेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमारा सेल वैल्यू कितनी है 12 लाख रुपए। स्टाम्प वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि जितना हमें मिला है अमाउंट हम उतने की बात करेंगे। तो 12 लाख रुपए हमें मिला, एक्सपेंडिचर कोई हमने किया है, कोई ब्रोकरेज वगैरह दिया है तो हमें, हमने कुछ नहीं दिया, यदि दिया होगा तो हम लेस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं तो हमारा कितना नेट सेल कंसीडरेशन कितना हो गया, कोई एक्सपेंडिचर किया है तो क्लेम कर लीजिए, नहीं किया है तो हमारा वही सेम नेट सेल कंसीडरेशन हमारा जस्ट सपोज 12 लाख रुपए बन जाता है। अब हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं हाउस की। अब हमने आपको बताया यदि ऐसा कोई केस आ गया है कि जिसकी हमने एग्जेंशन सेक्शन 54 में क्लेम कर लिया और उस हाउस को हमने 3 साल से पहले सेल कर दिया है तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने में क्या करेंगे, एक्चुअल सेल ऑफ एक्विजिशन लेंगे उस नए हाउस का। हमने कितना था एक्चुअल सेल ऑफ एक्विजिशन उस नए हाउस का, हमने 10 लाख में हमने परचेज किया था लेकिन उसमें से हमने कितनी एग्जेंशन क्लेम कर ली उसको माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं हमने लास्ट ईयर में कितनी एग्जेंशन क्लेम करी थी 8,40,000 रुपए, तो 8,40,000 को हम माइनस कर देते हैं, 8,40,000 10 लाख में से 8,40,000 माइनस कर दिए तो 1,60,000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी इस हाउस की, जो हमें केवल हमारे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या हम बोले नेट सेल ऑफ कंसीडरेशन में से माइनस होगी। तो 12 लाख रुपए नेट सेल ऑफ कंसीडरेशन है, 1,60,000 रुपए माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमारा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा जो कि हमारा 10,40,000 रुपए का होगा। तो हमको अंडर कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर हमें 10,40,000 रुपए टैक्स देना होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको डिटेल में समझ आया होगा, हमने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, टैक्स एंड टिप्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।